तीज त्योहार हो, सबसे पहले जो मिठाई हम सभी के घर में बनती है वो होती है स्वादिष्ट खीर। तो चलिए इस बार बनाते हैं एकदम अलग और बहुत बहुत ज्यादा स्वादिष्ट खीर, वो भी मिनटों में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एकदम यूनिक और बहुत बहुत ज्यादा स्वादिष्ट रबड़ीदार मलाईदार खीर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 70 ग्राम रेगुलर राइस। वैसे आप चाहे तो बासमती राइस से भी बना सकते हैं, इससे बनाएंगे तो बढ़िया बनेगी। 2 से 3 बार चावल को बढ़िया से धो लेंगे और धो करके 20-25 मिनट के लिए चावल को भिगोने के लिए रख देंगे। इससे क्या होगा, चावल बढ़िया से फूल जाएगा तो हमें खीर बनाने में समय भी कम लगेगा, चावल जल्दी पक जाएगा। तो यहाँ चावल को पहले ही मैंने भिगो कर रख दिया था, तो लगभग आधा घंटा हो गया है। ये देखिए चावल बिल्कुल बढ़िया से फूल गए हैं, आप देख सकते हैं। चलिए तो सारा पानी चावल का छान देंगे बिल्कुल इस तरह। आप लीजिए इस तरह की कोई भी किचन टॉवल या कोई कपड़ा ले लीजिए, उस पर जो चावल का पानी हमने छाना ना, सारा चावल पानी निकालने के बाद इस तरह डालिए और चावल को बिल्कुल बढ़िया से पोंछ लीजिए। इस तरह से हल्का पानी इसका सुखा लेंगे और एक इस तरह से बोल में सारे चावल पोंछ करके निकाल लेंगे। और बस चावल में डालिए 1 छोटी चम्मच घी और इस तरह ना मसल दीजिए, तो जो चावल है हल्के से टूट जाएंगे। टूटने पर जो समय है खीर बनाने का वो भी कम लगेगा, बाइंडिंग और गाढ़ापन ज्यादा आएगा खीर में। चलिए चावल तो हमारे खीर के लिए बिल्कुल रेडी है, फटाफट देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब आप गैस पर चढ़ाएं एक कढ़ाई। अब कढ़ाई में सबसे पहले थोड़ा सा इस तरह से घी लगाइए। मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 लीटर दूध। तो सबसे पहले दूध में हाई फ्लेम पर एक उबाल आने देंगे, बीच बीच में इस तरह करछी से चला देंगे। और ये देखिए दूध में एक उबाल आ गया है, तो बस इस स्टेज पर हम गैस को कर देंगे बिल्कुल लो और इस तरह चलाएंगे। और यहाँ पर अब हम डालेंगे हमारे भीगे हुए वाले तैयार चावल, साथ ही डालेंगे थोड़े से यहाँ पर केसर के धागे। चावल को बीच बीच में इस तरह से चलाते जरूर रहिएगा, वरना क्या होगा कि चावल नीचे तले में चिपक जाएंगे, लम्स बन जाएंगे। अब आप गैस पर चढ़ाइए एक पैन, फ्लेम को रखिए मीडियम और इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच घी। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिए हैं यहाँ पर 2 बड़े चम्मच काजू, जिनको बीच में से मैंने इस तरह से कट कर लिया है, 2 बड़े चम्मच बादाम जिन्हें छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया, 1 बड़ा चम्मच लिए चिरौंजी, साथ ही 1 बड़ा चम्मच बारीक कटे हुए पिस्ता। हल्का सा ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेंगे घी में, इससे जो ड्राई फ्रूट्स है हल्के क्रंची हो जाएंगे और खीर में स्वाद फिर बहुत ही बढ़िया लगेगा जब ये ड्राई फ्रूट्स मुंह में आएंगे खीर के साथ। तो हल्के क्रंच करके ही डालिएगा, बढ़िया लगते हैं बहुत खीर में। और ये लीजिए ड्राई फ्रूट्स हमारे मिनटों में हल्के से गुलाबीपन पर आ गए हैं, क्रंची दिख रहे हैं। तो बस गैस को ऑफ करेंगे और सारे ड्राई फ्रूट्स निकाल लेंगे। चलिए तो अपने दूध को भी चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं चावल एकदम बढ़िया से नाच रहे हैं, लगभग आधे के करीब चावल पक गए हैं, अभी पूरी तरह से खीर हमारी तैयार नहीं हुई है। आप लीजिए इसमें से लगभग 2 चम्मच भरकर इस तरह से आप एक कटोरी में खीर निकाल लें बिल्कुल इसी स्टेज पर। इसको होने देंगे ठंडा और ठंडा हो जाने के बाद आप लीजिए एक ग्राइंडिंग जार और ग्राइंडिंग जार में इस सारे खीर के मिक्स को डाल देंगे और इसको बिल्कुल बढ़िया सा फाइन पेस्ट तैयार करेंगे। ये लीजिए वाव, आप देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त हमारा गाढ़ा पेस्ट तैयार हो गया इस तरह से। और बस इस स्टेज पर हमारा जो चावल वाला कंडेंस मिल्क यानी चावल जो अभी हमने पीसे हैं वो हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से करेंगे मिक्स लो फ्लेम पर। जरा सा चावल पीस के डाला और इतना जबरदस्त चेंज, वो भी मिनटों में। आप ऐसे ही बनाकर देखिएगा, फिर देखिए क्या मस्त आपकी खीर बनेगी। अब एक काम और करेंगे, आज इस खीर को मैं बनाने वाली हूँ एकदम अलग स्वाद में, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक और आपके मेहमानों तक सबको पसंद आएगी। कैरेमल बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर आप एक पैन चढ़ाएं और पैन में मैं ले रही हूँ 1/2 कप चीनी। इस तरह चीनी को थोड़ा सा फैलाएंगे और फ्लेम को रखेंगे मीडियम हाई और यहाँ पर हम डालेंगे इसमें 4 चम्मच पानी। बस इस तरह इसको मीडियम हाई फ्लेम पर इस तरह करेंगे चीनी को मिक्स। और ये देखिए आप देख सकते हैं कलर चेंज होना शुरू हो गया है, बस थोड़ा सा और डार्क कलर करेंगे, बहुत ज्यादा ओवर कुक बिल्कुल नहीं करेंगे, वरना ये जो कैरेमल है वो हमारा कड़वाहट पे आ जाएगा। तो ध्यान से, और बहुत ही प्यारा सा कैरमलाइज्ड कलर आ गया है। तो इस स्टेज पर गैस को बिल्कुल बंद कर देंगे, संभल कर बिल्कुल दूरी से थोड़ा सा पानी डालें और मिक्स करते जाएं। गैस बंद है, थोड़ा सा पानी और डालेंगे, लगभग 5 से 6 चम्मच। और ये लीजिए हमारा बहुत ही शानदार सा कैरमल है बिल्कुल तैयार। चलिए चेक करते हैं खीर को। और यहाँ हमारी खीर भी बिल्कुल बढ़िया सी शानदार तैयार हो गई है, चावल बिल्कुल दूध के साथ हिल मिल गए हैं, ये देखिए परफेक्ट। इस स्टेज पर हम डाल देंगे हमारा कैरमल, सारा कैरमल इसमें डाल देंगे। यहीं पर इसमें हम डाल देंगे फ्लेवर के लिए 1/2 छोटी चम्मच इलायची पाउडर और साथ ही गए हमारे रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स।
और ड्राई फ्रूट्स को भी कर लेंगे बढ़िया से मिक्स। बहुत ही बेहतरीन खीर हमारी बनकर के तैयार हो गई है। जैसे जैसे ये ठंडी होती जाएगी ये और गाढ़ी हो जाएगी। गैस को बंद कर देंगे और फटाफट करेंगे खीर को सर्व। आप इस खीर को ठंडा या गर्म दोनों तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, ये दोनों में ही बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये लीजिए, बिल्कुल तैयार है हमारी तीज त्योहार स्पेशल रबड़ीदार मलाईदार कैरमल खीर।